तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारे देश में NCRTC दिल्ली गाजियाबाद मेरठ एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बना रही है, जहां पर ट्रेन्स की स्पीड होगी 180 से 200 किलोमीटर पर आवर की। और अब यहां पर इन्होंने डिसाइड किया है कि अब इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, तो क्यों ना इसमें रिन्यूएबल एनर्जी को भी ब्लेंड कर दी जाए, ताकि इसे मोर सस्टेनेबल, मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली बन सके। और इसी के ऊपर से अब एक काफी बेहतरीन खबर निकल कर आ रही है। दरअसल हाल ही में NCRTC ने एक MOU को साइन किया है विद सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर SECI। अब ये जो MOU साइन किया गया है, इसका मकसद होगा टू एक्सप्लोर वेरियस पॉसिबिलिटीज, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती है इन इलेक्ट्रिक, देन हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी, या फिर कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल एंड एनर्जी। वैसे NCRTC भी अपनी एनर्जी मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत वो मैक्सिमम यूज करना चाहती है ब्लेंडेड रिन्यूएबल एनर्जी का, जैसे कि सोलर, और स्पेसिफिकली यहाँ पर सोलर को ही काफी ज्यादा महत्व दिया गया है। और अब NCRTC के ये गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी यहाँ पर SECI। अब सबसे पहला तो इनका टारगेट होगा कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी उसे काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेट्स में दिया जाए, ताकि इसे और ज्यादा सस्टेनेबल, लोगों के पॉकेट पर ज्यादा हैवी ना कर दिया जाए। इसके अलावा ये कॉरिडोर एक मिसाल के रूप में उभर कर आए, ताकि जो भी हमारे फ्यूचर कॉरिडोर्स होंगे, तो उन सभी कॉरिडोर्स में हम काफी एक्सटेंसिव कॉरपोरेशन के तहत सोलर एनर्जी को ब्लेंड करें। और जाहिर सी बात है, NCRTC का अब ये मूव न केवल इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को सेव करेगा, बल्कि कार्बन एमिशन को होने से भी काफी ज्यादा बचाएगा। इसके लिए अब NCRTC का ऐसा प्लान है कि वो 40% की जो भी इनकी टोटल रिक्वायरमेंट होगी इस दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर की, वो अब पूरी तरह से प्योरली रिन्यूएबल एनर्जी से ही जनरेट की जाएगी। इसके अलावा सोलर की अगर स्पेसिफिकली बात करें, तो इनका टारगेट है कि एटलीस्ट हम 10 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेंगे हमारे जो भी RRTS के स्टेशंस होंगे, या फिर जो भी डिपॉट्स होंगे, उन सभी पर हम इस तरह के पैनल्स को इंस्टॉल कर देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ पाए। और इससे हमारा जो टारगेट है 100 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम सोलर बाय 2022, तो इसे भी पूरा करने में काफी हद तक मदद होगी। अब शायद कुछ लोगों को पता ना हो, लेकिन मेट्रो में भी हम इसी तरह के काम को कर रहे हैं, जहां पर सोलर एनर्जी को ब्लेंड किया जा रहा है फॉर देयर ऑपरेशन। और इसी का नतीजा है कि 2017 में पूरे वर्ल्ड में मात्र दिल्ली मेट्रो ही अकेली ऐसी मेट्रो थी जो कि 100% ग्रीन मेट्रो कहलाई गई थी। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड से नवाजा गया था, और पहली ऐसी मेट्रो थी पूरे वर्ल्ड में जिसे ग्रीन सर्टिफिकेशन भी मिला था। देन उसके बाद से भारत में काफी सारी मेट्रो सिस्टम्स ने दिल्ली के इस बात को फॉलो किया, एंड नाउ RRTS भी इसी पर काम कर रहा है। वैसे आपकी क्या राय है इसके बारे में, लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो।